नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हमारे साथ सूरत में बिग सेलिब्रिटी आई हुई है, जो है बिग कोरियोग्राफर, काफ़ी सारे रियलिटी शो में वो आ चुके हैं, वैभव जी। वैभव जी, आपका मैं स्वागत करती हूं हमारे सूरत शहर में। और आज यहां पे जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है वर्कशॉप, वो है हमारे जीतू सेन जी। तो जीतू सेन जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपकी आभारी हूँ कि इतना अच्छा आपने बच्चों के लिए वर्कशॉप रखा हुआ है और ऐसी सेलिब्रिटी को आपने बुलाया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले हम वैभव जी से पूछेंगे, आपको सूरत में आके कैसा लगा सर? सूरत में आके बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि ये मैं बहुत बार आया हूँ यहाँ पे टैलेंट देखा है मैंने यहाँ का। जैसे सूरत नाम है वहाँ, वैसे इस सिटी की जो सूरत है वो भी बहुत अच्छी है। मैं जीतू को थैंक्स कहना चाहूँगा, उसकी पूरी टीम को, AJ डांस स्टूडियो की पूरी टीम को, कि यहाँ पे बुलाया है। पहली बार बुलाया था पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से कैंसिल हुआ था, और मुझे बुरा लगा था क्योंकि ऐसे सब चीज़ों में ना जिससे बुलाया है उसका नाम थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जल्द आऊँगा, एंड आज वो दिन आया है। तो आज मुझे जो कुछ भी आता है, जितना मैंने सीखा है मेरे करियर में, वो सब कोशिश करूँगा ताकि इन बच्चों को समझे। आजकल सब लोग डांस करते हैं, लेकिन डांस का जो नॉलेज होना चाहिए, डांस के बारे में जानना चाहिए, वो बहुत कम लोगों को पता होता है। तो मैं कोशिश करूँगा मेरी तरफ से सबको ये बताने की कि डांस क्या है, एंड डांस कैसे आगे लेके जाना होता है, अपने टैलेंट को कैसे आगे लेके जाना होता है। सो मैं वापस एक बार तहे दिल से थैंक्स कहूँगा जीतू को कि मुझे बुलाया, एंड यस, आज उनकी क्लासेस की ओपनिंग भी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इनके क्लासेस के ओपनिंग का मैं एक पार्ट हूँ, एक हिस्सा हूँ। तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि सिर्फ ये एक ही एकेडमी नहीं, सूरत के हर गली में, हर एरिया में, हर चौराहे पे इनका ही क्लासेस हो, और वो जल्द से जल्द बने। आपका जो स्टूडेंट्स है वो ऐसे ग्रो करते रहे, आज अगर 2 है तो कल 4 बन जाए, 4 के 400 बन जाए, 400 के 4000 बन जाए। सो थैंक यू सो मच सूरत फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव टू। लोग कहते हैं मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन मैं बहुत छोटा हूँ। बड़ा इंसान तब बनता है जब हर किसी के दिल में उसकी जगह होती है। सो यस, मैं आपका ही हूँ, आपका ही रहूँगा, आपके लिए काम करता हूँ ताकि आपके दिलों में मैं घर बनाते रहूँ, और ऐसे ही काम करते रहूँ। जी सर, पर मुझे ये पूछना है आपको कि आपकी ये जो डांस की शुरुआत आपने कैसे की, मतलब किसी के प्रेरणा से किया, कैसे आपने शुरुआत किया? क्योंकि इसी से लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि आज जो आप लेवल पे है, जो लेवल पे आप गए हैं, तो शायद हमारे सूरत से भी कोई ऐसे पहुँचे, तो कुछ आप बोल कीजिए। लोग पहले मेरे को ऐसा सिखाया जाता था, किसी को देख के सीखना होता है। फिर जब मुझे पता चला ज़िंदगी क्या होती है, तो मुझे ये पता चला एक्चुअली हमें खुद को देख के बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन मेरे मॉम डैड है, और उसके बाद मैं खुद को रोज़ एक इंस्पिरेशन मानता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हर डेली ज़िंदगी में ना मुझे खुद को देख के ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। कंपटीशन को देख के आगे बढ़ूंगा तो शायद मैं पीछे हट रह जाऊंगा, और मेरा डांस और टैलेंट भी पीछे रह जाएगा। तो हर दिन मैं खुद से सीखता हूँ, एंड यस, इंस्पिरेशन हर आर्टिस्ट से मैं लेता हूँ। हर आर्टिस्ट कहीं ना कहीं एक छोटी या बड़ी चीज़ सिखा के जाता है, एंड अगर वो आप सीखते हो और आप अपने जहन में और अपने टैलेंट में उसको आजमाते हो, तो ऑब्वियसली आपका टैलेंट भी ग्रो होता है, और हर दिन आप ज़िंदगी में आगे जाते हो। और मैं जैसे कहता हूँ, सक्सेसफुल वर्ड बहुत ही अच्छा है सुनने के लिए, पर मेरे लिए मैं सक्सेसफुल वर्ड को मानता नहीं हूँ, क्योंकि वो वर्ड ही आपको यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन कहता है। तो हमें सक्सेस की तरफ हमेशा जाना होता है, क्योंकि सक्सेस कभी ख़त्म नहीं होता। तो आपकी मेहनत अगर बनती रहेगी तो आप हमेशा सक्सेस की तरफ जाते रहोगे। तो यस, सबको इंस्पिरेशन मानो, पर सबसे बड़ा इंस्पिरेशन आप खुद को मानो, ताकि आप ज़िंदगी में आगे जाओ। जी, आज यहाँ पे सूरत में आप आए हैं, तो मतलब कौन सी आप डांस सिखाने वाले हैं यहाँ? हमारे जो इतने सारे स्टूडेंट्स बाहर आपके वेट कर रहे थे, तो आप क्या सिखाएंगे आज? तो डांस के कई स्टाइल्स होते हैं, पर मेरे लिए स्टाइल मायने नहीं रखता। जब आप डांस दिल से करते हो तो आप लोगों के दिल से कनेक्ट करते हो। स्टाइल कभी किसी को आगे लेके नहीं जाता, डांस आगे लेके जाता है। तो मैं आज सबको जो मुझे आता है, एक बॉलीवुड फ्लेवर जो मैं लेके आता हूँ हर शो में, क्योंकि आजकल ना लोग बॉलीवुड स्टाइल लेके नहीं आते, लोगों को लगता है बहुत इजी है। तो वो जो इजी बना है ना, वो जब मैं वर्कशॉप में जाता हूँ तो दिखता है कि लोगों को बहुत डिफिकल्टीज होती है सब स्टेप्स करने में, क्योंकि उनको लगता है बॉलीवुड एक इजी फॉर्म है, तो हम रियलिटी शो में लेके जाएंगे तो हम आगे नहीं जा पाएंगे शो में। पर मैं तुम सबको ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा गलत है, क्योंकि मैं 16 साल से ये स्टाइल कर रहा हूँ, और हर किसी शो में यही स्टाइल करके मैं आगे जा रहा हूँ, प्रूफ कर रहा हूँ। तो आज मैं बॉलीवुड के साथ बॉलीहॉप भी सिखाऊंगा, और नॉलेज भी दूंगा कि कैसे स्टेप परफॉर्म करते हैं, कैसे डांसर नहीं परफॉर्मर बन के जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं इनको सिखाऊंगा, ताकि मैं कहीं ना कहीं उनको 1% इंस्पायर करूँ।
लास्ट वन क्वेश्चंस की, रियलिटी शो और नॉर्मल कोरियोग्राफर में जो डिफरेंट होता है वो क्या है? ऐसा कुछ नहीं होता, रियलिटी शो नॉर्मल कोरियोग्राफर सारे सेम होते हैं, पर वही होता है जब सर मेरा जो क्वेश्चन है वो इसीलिए है कि जो नॉर्मल कोरियोग्राफर होता है वो भी स्ट्रगल करता है और रियलिटी शो में जाता है वो भी स्ट्रगल करता है, तो इसीलिए मुझे मैं आपको क्या होता है ना, जब वो कहते हैं ना आप पे जब बोझ आता है ना कि आपको कुछ भी करके ये खत्म करना ही है, ये एक्ट को खत्म करना ही है, तो नॉर्मल कोरियोग्राफर भी बहुत अच्छा करने लग जाता है। सो ये होता है कि कभी कभी किसी के लिए एक्सपीरियंस हेल्प करता है, किसी किसी के लिए नहीं करता, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर नॉर्मल कोरियोग्राफर ही जब अपने कंटेस्टेंट को इतना अच्छा कोरियोग्राफ करता है तब जाके वो रियलिटी शो में आता है और रियलिटी शो वाले कोरियोग्राफर के पास वो आ जाता है। तो यस, सिर्फ यही होता है कि जब वो टीवी में आते हैं तो हम उनके डांस में ठहराव लाते हैं ताकि जो हमारी ऑडियंस है उनको हर एक स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है, हर एक जो एक्ट है आपका जो कॉन्सेप्ट है वो देखना समझना बहुत ज़रूरी है। तो यस, मैं यही कहूँगा कि जो नॉर्मल कोरियोग्राफर्स है और रियलिटी शो कोरियोग्राफर्स है उनमें सिर्फ एक थिन लाइन है, सिर्फ वो दोनों एक साथ समझ ले, समझ लिया अगर वो थिन लाइन क्या होती है कोरियोग्राफ करते वक्त, तो यस सब लोग अपने टैलेंट और अपनी जगह बहुत सही है। बहुत ही अच्छा, आपको वापस एक बार सूरत में आप आए हैं तो वेलकम करती हूँ आपको, और आपके लिए हमने एक सरप्राइज़ भी रखा हुआ है तो वो हम अभी सरप्राइज़ आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जीतू सर से भी मैं बात करना चाहूँगी। जीतू जी, आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ पे, आपका डांस का ओपनिंग है, आपका बर्थडे है और साथ साथ में बहुत कुछ है ऐसा बोल सकते हैं जी। पहली बात तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। वैभव सर को मेरी दिल से इच्छा थी उनको यहाँ पे मैं बुलाऊँ और मैं उनको बहुत मानता हूँ, ये सच है। और पहली बात कि मैं जो ये क्लास खोला है ना मैम, तो इसके लिए खोला है कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करूँ, बराबर है? तो मैंने जो क्या है कि मैंने बहुत लोगों को सपोर्ट किया है और कर रहा हूँ और अच्छे से और करूँ, मेरा कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं है कि भाई मैं इसको ये करूँ ये करूँ ये करूँ। देखो सबके पास टैलेंट सबके पास अलग अलग है, ठीक है, खाली नज़रिया अलग अलग है देखने का, जो लोग देख नहीं पाते प्रॉपर खाली एक ही सोचते कि यार नेगेटिव, तो जब तक नेगेटिव लिख लेगा ना तब पॉजिटिव लिख लेगा। और हमेशा भी लाइफ में ये इतना याद रहना होता है कि हम जब भी परफॉर्मेंस करें ना तो योर सेल्फ, मतलब अपने आप में जुनून एक होना चाहिए तो ही आप आगे चूज कर पाते हो, बाकी आप ऐसा सोचो ना कि मैं ये करूँगा तो उससे कोई होता नहीं। उसमें क्या होता है कि आप और नर्वस हो जाते हो, दूसरे पे डिपेंड होते हो कि नहीं मुझे ये लेके जाएंगे तो मुझे, तो वो सब रॉन्ग है। जब आप डिपेंड होंगे ना खुद पे तो दुनिया की कोई भी ताकत है ना आपको नहीं रोक पाएगी, पहली बात तो ये चीज़ है, बराबर है? तो बहुत सारे पेरेंट्स के लिए भी मेरा छोटा सा एक मैसेज है कि प्लीज़ जितने भी कोरियोग्राफर है और जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं जितने भी है, तो पेरेंट्स को थोड़ा एक सपोर्ट और करना है कि बच्चों को और से और उसको अच्छे से गाइडलाइन करे, उनको थोड़ा सपोर्ट करे अच्छे से, और कोरियोग्राफर जो मेहनत करते बेचारे तो उनको भी थोड़ा उनके साथ थोड़ा टच में रहे। बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स क्या होता है टच में नहीं रहते, तो सर कोरियोग्राफर क्या बोलता है, हम जैसे व्हाट्सअप करते तो हम बोले एक मैसेज देते कि सर आज व्हाट्सअप है, तो पेरेंट्स का बहुत सारा अमुक ऐसा आता है कि भाई सर एग्जाम है ये है, तो वो सब मायने नहीं रखता है जिंदगी में, लाइफ में एक ही चीज़ एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, बराबर? तो यू आर इम्पोर्टेंट, योर स्टडी स्टडी भी इम्पोर्टेंट है, योर लाइफ को जीना भी इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ें तो ये सब लेके चलोगे ना तो यू आर सक्सेसफुल, योर मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा। और वैभव सर को दिल से थैंक यू, आए इतने दूर से सूरत में मैंने बुलाया उनको, और लव यू सर, थैंक यू और थैंक यू थैंक यू, बहुत टाइम से जानता हूँ। लेकिन एक और बात भी शायद मेरे ख्याल से रह गई, अभी कुछ नया आपका आ रहा है उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए ना। तो पहले बात मैं जीतू के बारे में कहूँगा कि मैं जब DID में था 2011 में, तब से जीतू मेरे साथ कांटेक्ट में है, बाकी सब तो बाद में आए। जीतू से मैं बात करता था व्हाट्सएप पे, उसके पास मेरा नंबर था और तब से वो मुझे बोलता था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है कुछ ना कुछ करना है, और बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो खुद के सपने पीछे रख के दूसरों के लिए काम करते हैं, तो जीतू उनमें से है और आज उसका सपने का जो एक पड़ाव है वो आ गया है, जो उनकी खुद की एकेडमी खुली है, आज वर्कशॉप है उनका, जहाँ पे ऑब्वियसली वर्कशॉप से क्या होता है स्टूडेंट्स गैदर हो जाते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि इस जीतू सर ने एक वर्कशॉप रखी थी जहाँ पे वैभव सर आए थे, नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा आएगा। तो बहुत ही बेस्ट विशेष आपके लिए, बहुत सारा प्यार आशीर्वाद कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और यस, मेरा जो नया शो आ रहा है वो कल ही चालू हुआ है TV पे, इंडियाज़ बेस्ट डांसर, तो उस शो में मैं वापस दिखूंगा मेरा काम दिखाते हुए। और जैसे आप सबको पता है कि मुझे हमेशा शर्मा मिलता है, सुपर डांसर में योगेश शर्मा है, विशाल शर्मा था सेकंड में, थर्ड में सक्षम शर्मा था, इस टाइम भी एक ग्वालियर का बंदा है राज शर्मा, तो वो मुझे मिला है। तो यस, मेरी कोशिश यही रहती है कि उस शो में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं,
पर मैं कंपटीशन करता नहीं क्योंकि सब अपनी जगह अच्छे हैं। मेरे को इतना पता है कि मेरा और मेरे कंटेस्टेंट के जो 2.5 मिनट होंगे ना, वो ढाई मिनट में मेरे को सामने जो ऑडियंस है उनका दिल जीतना है और मेरे काम से उनका दिल जीतना है। तो हमेशा मेरी वही कोशिश रहती है और अभी भी वही कोशिश रहेगी कि ट्रॉफी नहीं, मैं सबका दिल जीतूँ। बहुत ही बढ़िया। तो वापस एक बार आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे डांस वर्कशॉप की शुरुआत सूरत में मैंने पहली बार की थी और 5 साल पहले, तो आज ये सब कर रहे हैं तो मुझे भी अच्छा फील हो रहा है और मेरी जो चैनल है वो हमेशा जीतू को सपोर्ट करेगी और हमेशा करती रहेगी। तो फिर से ऐसे ही वापस मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अब सब अंदर आएगा, ठीक है, वापस 5, 6, 7, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, दोनों हाथ 1, 2, 3, सब कुछ अंदर थक थक थक। अब इसके बाद और स्टेप, फिर म्यूजिक पे करेंगे। लेफ्ट राइट लेफ्ट था, ठीक है। जब राइट आएगा और जब लेफ्ट आएगा तो राइट ऊपर ही रहेगा, ठीक है। वापिस एक बार 5, 6, 7, 2, अभी राइट के बाद तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 का, ठीक है। बहुत सारे न्यूज़ मिलेंगे जो गुजरात साइड सूरत साइड में होते हैं। तो मेरा आज का जो वर्कशॉप भी है वो इन्होंने कवर किया है पूरा बहुत अच्छी तरीके से, जहाँ पे घर बैठे भी शायद आपको कुछ ना कुछ मैं थोड़ा सा इंस्पायर करूंगा। तो यू शाउट आउट आपके चैनल के लिए, ऐसे ही आप सारे टैलेंट को सपोर्ट करते रहिए ताकि टैलेंट आगे जाए एंड सूरत का नाम आगे जाए। थैंक यू सो मच। और हाँ, आपको लगा हुआ शाउट आउट खत्म हुआ है, पर नहीं, इसके जो व्यूअर्स है वो 30 लाख के ऊपर है। तो मैं चाहूंगा ये 30 लाख तक ही ना रहे, 30 करोड़ तक जाए और ऐसे ही इस चैनल का नाम रोशन होते रहे। थैंक यू सो मच।